कहानी का नाम है मंजू की मदद। ग्वालियर शहर के करीब एक छोटा सा गांव। सुनीता कमला के टूटे फूटे घर के बाहर खड़ी है, कमला को बुला रही है। कमला, अरे कमला, कहाँ है तू? तू कुछ दिन से काम पे नहीं आ रही है, बीमार है क्या? आप तो जानते हो सुनीता दीदी, ये तो अपाहिज है और 2 हफ्ते से बीमार है। डॉक्टर के पास जाने के पैसे तक नहीं, लेनदार सर पे बैठे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख कमला, वैसे भी मंजू ने तो पढ़ाई छोड़ ही दी है, तू काम पे लगवा दे उसे। जवान लड़की की बात है ना, इसलिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। मैंने तुझे पहले ही कहा था, मंजू को ग्वालियर भेज, वहाँ मेरे पहचान वाले के पास एक अच्छी नौकरी है, महीना 5,000 मिलेंगे। हाँ मगर, पर अब कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। तो ठीक है, मैं बस के टिकट का इंतजाम करती हूँ, कल सुबह हम दोनों निकल पड़ेंगे। तुम भी ग्वालियर आना चाहती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। अरे नहीं नहीं सुनीता दीदी, आप है तो मुझे कोई चिंता नहीं, बस आप सब संभाल लीजिएगा। अगले दिन सुबह सुनीता मंजू को साथ लेकर ग्वालियर के लिए निकल पड़ी। बस में मंजू ने उससे कुछ सवाल पूछे। सुनीता मौसी, मुझे ग्वालियर में काम क्या करना होगा? आसान काम है, वो एक लेन देन की कंपनी है, तू तो समझदार है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और सुन, जो बोले वो करना, मेरी इज्जत रखना। अच्छा सुनीता मौसी। ग्वालियर आने वाला ही है, वहाँ हमें लखन मिलेंगे, वो कंपनी के मैनेजर हैं। सुनीता और मंजू ग्वालियर बस डिपो में पहुँच गए और वहाँ लखन उनका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा सफर सुनीता जी? अरे लखन, कैसा है तू? सुनीता जी, ये कंपनी ने आपके लिए लिफाफा भेजा है, शायद 15,000 है, आपके पिछले काम का कमीशन। इससे मिल, यह है मंजू, नई बच्ची है। जरा ठीक से काम सिखाना। आप ऐसा ही सहयोग करते रहे, हमें यही उम्मीद है। लखन मंजू को मीरा के कोठे पर ले जाता है, वहाँ गाने बजाने और घुंघरू की आवाज आ रही है। मंजू, इनसे मिलो, ये है मीरा बाई, आज से तुम यही रहोगी। ये कौन सी जगह है? मुझे तो कंपनी के ऑफिस ले जाने वाले थे, ये यहाँ पर कहाँ ले आए? सुनो शबाना, आज लालू सेठ आने वाले हैं, मंजू को ठीक से तैयार करना है, ले जाओ इसे यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शोर मत मचाओ। घबराओ मत, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। लखन, ये रहे तुम्हारे 35,000 रुपए कमीशन। मंजू, तुम्हें भी यहाँ खूब पैसे मिलेंगे, तुम्हारे घर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, समझी? अरे भागो, पुलिस की रेड पड़ी है। वो देखो लखन भाग रहा है, पकड़ लो उसे। अरे साहब, छोड़ दीजिए मुझे। अरे साहब, साहब बिठाओ सबको गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब, आप तो सब जानते हैं, ये मामला यही रफा दफा कर दीजिए। अच्छा बताइए, आपको कितने चाहिए, या फिर कोई और ख्वाहिश हो तो? हवलदार, बिठाओ इसको भी गाड़ी में। मेरा भाई, तुम जैसे लोग समाज में हैं, इसीलिए अच्छाई पर से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची ऊपर वाले कमरे में रोते हुई मिली है। रो मत बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे बचा लो, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया। कौन लेकर आया है तुम्हें यहाँ? बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो बेटी। सुनीता मौसी मेरे गांव में रहती हैं और लखन को जानती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं मंजू हूँ। घबराओ मत मंजू, मैं इंस्पेक्टर शान, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। मंजू के साथ हुए इस हादसे को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल आए। मंजू के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ है? ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम अपने या बस्ती के स्तर पर क्या कर सकते हैं?
द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। उन लोगों को कड़ी सजा देता है जो बच्चों की तस्करी करके उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं। 1098-1098 ये है चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर। मुसीबत ग्रस्त बच्चों की मदद के लिए 1098 नंबर पर निशुल्क फोन करें। अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी से मिले। नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। बच्चे किसी भरोसेमंद बुजुर्ग से बात करें। बुजुर्ग बच्चे की बात ध्यान से सुने और उचित कदम उठाए। मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन 1090 यानी 1090, वन स्टॉप सेंटर और मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाए और जरूरतमंद बच्चों की मदद करें।